देशभर में हॉट सीट बनी नागौर लोकसभा सीट में राजनीतिक मेलोड्रामा खेला जा रहा है, जिसके चलते आए दिन चौंकाने वाले रोचक मामले सामने आ रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए पहले उन्हीं के नाम के हनुमान राम को बोतल के चुनाव चिन्ह वाली राष्ट्रीय पावर पार्टी से मैदान में उतारा। अब बसपा से नामांकन करने वाले मुश्ताक खान ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इससे एनडीए को एक और झटका लगा है। बसपा से प्रत्याशी मैदान में होने से पहले ये माना जा रहा था कि वह कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। इसकी जानकारी खुद कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।